सर गुड मॉर्निंग एवरी वन आई वेलकम टॉपिक्स है ऑडियो वीडियो so, uh, सब सही है uh, पहले तो क्वेश्चन देख लो लेट्स सी द क्वेश्चन दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड विथ ट्रॉपिकल साइक्लोन ओके इट इज रिलेटेड ट्रॉपिकल साइक्लोस दे आर हाई प्रेसर सिस्टम दट फॉर्म्स फोर द्रॉपिकल वाटर दे टिपिकली फॉर्म वैन द सी सर्फेस टेम्परेचर इज अबाउट ट्वेंटी सिक्स पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस ट्रॉपिकल साइक्लॉन्स आर डेंजरस बिकॉज दे कैन प्रोड्यूस एक्सट्रीम विंडस हैवी रेनफॉल विथ फ्लडिंग एंड डैमेजिंग स्ट्रॉग सर्विस दैट कैन कॉज इन अंडेशन ऑफ लो लाइंग कोस्टल एरिया तो ये लास्ट में आपसे डिस्कस करूंगा कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपको देना है आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ट्रॉपिकल साइक्लॉन एंड द टेम्परेट साइक्लॉन द मैकेजम ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन सो आपको ध्यान रखना है सो so, ये टॉपिक uh, है जस्ट ट्राई टू आंसर इट इन द एंड वी विल डिस्कस विल बी द आंसर आज के टॉपिक्स हैं uh, जो निकल कर आए हैं दैट आई एक्सट्रैक्टेड जो यूपीएससी रेलिवेंट है एक तो इसराइल और लेबन मैरिटाइम टाइम बॉर्डर इसमें जोग्राफी का मैपिंग से रिलेटेड प्रश्न बनेगा तो वो भी डिस्कस करेंगे एंड वेन दे आर आस्किंग अबाउट वेस्ट एशिया वेस्ट एशिया जैसे एस्पेक्ट पे कोई प्रश्न आता है तो यू कैन यूज इट तो ये एक एंगल है उसके बाद डिस इन्फॉर्मेशन लॉ ऑफ टर्की ये टॉपिक है आई आर के से रिलेटेड है uh, ठीक है वी शुड नो अबाउट इट वेन यू आर राइटिंग अबाउट द डिसमेशन यून मेन्शन दैट यू कैन मैंशन द स्टेप्स टेकन बाय द अदर कंट्रीज वो आप मैंशन कर सकते हैं अरुणा जगदीशन कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट है एंड वी विल ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉपर दिस कंपनी स्टेरलाइट कॉपर लिमिटेड इस कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे एंड इफ लाइक वी हैव टेकन द डिसीजन टू क्लोज दिस कंपनी द प्लांट तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सो so, ये एक टॉपिक आपका बनता है इंडस्ट्रीज और चैलेंजेस ऐसा कोई टॉपिक आपका आता है जीएस पेपर वन के अंदर सो यू कैन यूज इट अंडर दैट कैटेगरी जोग्रफी का ही अगर आप सेक्शन देखो तो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री और ये सब आता है तो उसमें इसको इंक्लूड कर सकते हो इवन जैलिकल ये टर्म है छोटा सा टर्म है अगर आप कॉलम को एक कॉलम में हमें आर्टिकल है अगर आप उसको थोड़ा स्टडी करोगे तो दे हैव यूज दिस टर्म दैट वी कॉल इट क्वालिटा एनवायरमेंटलिज्म और तमिलनाडु गवर्नमेंट के स्टेप्स अलग अलग डिस्कस किए हैं पहले भी फिल्म मेन ऑफ एंसर राइटिंग जिस सेशन जो है वो आपका यू आई एस चैनल के अंदर है तो यस्टरडे मैंने आपके लिए लाइव आंसर राइटिंग का सेवेंथ लेक्चर अपलोड कर दिया है आई हैव अपलोडेड द लेक्चर क्वेश्चन दिया है टेन मिनट का सेशन है ठीक है तो आंसर राइटिंग आपको फोकस करना ही है टाइम जब मिले करो बट जरूर से लिखने की हैबिट जो है वो बननी चाहिए ठीक है सो ये जरूरी है ठीक है तो मेंस का यू के अंदर आपको जो है वो मिल जाएगा सेवेंथ लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है सो दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी माय नेम इज सौरभ पांडे नवंबर का जो कोर्स है वो सेकेंड नवंबर से स्टार्ट हो रहा है करेंट अफेयर्स का जिसमें देखो हिंदू और दूसरे जितने भी सोर्सेस है सब कुछ कवर होगा इसके अलावा प्रॉपर एक पी आई प्रोवाइड अलग अलग सोर्सेज की ठीक है वो सैम्पल में कल आपको दिखाऊंगा अलग provided, आ, PDF, अलग सोर्सेज की पी इट इज़ प्रोवाइडेड वो पी अलग अलग सोर्सेज जो प्रिलिम्स के क्वेश्चन थे तो प्रैक्टिस क्वेश्चन आप कर सकते हो उसके बाद जैसे माइंड मैप्स हैं दैट ऑल्सो एम प्रोवाइडिंग वो भी आपको मिलेगा फिर आंसर राइटिंग एंड ऑल एवरीथिंग इज़ देयर इन दिस कोर्स फिर आपको सिर्फ़ एक काम करना है अपना जो भी स्ट्रैटिक है उसको स्ट्रॉन्ग करो नवम्बर का है फिर दिसंबर का है फिर जनवरी का है ऐसे हर महीने कोर्स आएगा तेईस चौबीस की तैयारी कर रहे हो तो जरूर से इसका हिस्सा बनना है कैसे ज्वाइन करना है अनकेडमी डॉट कॉम में जाना है यूपीएससी पी सी एस सी सेलेक्ट करना है और कोड डाल देना है एस पी एल आई वी ई और आप ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है यू कैन ज्वाइन इट आज एक और भी इंफॉर्मेशन है एक जो कल आपका एक सेशन होना था वो आ, नहीं था जूम सेशन क्योंकि वो लिंक जो था वो वर्क नहीं कर रहा था आप इस सेशन को देख रहे हो इसके जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक सेशन आपको मिलेगा एक लिंक मिलेगा उस लिंक पे क्लिक uh, करके और uh, आप uh, जो है रजिस्टर कर लेना है ठीक है वी विल हैव अ जूम सेशन हम लोग लाइव इंटरेक्शन करेंगे जो भी आपके कंसर्न हैं डाउट हैं उसको या जैसे इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 23, 24, 25, ट्वेंटी फाइव हाउ वी शुड प्रोसीड हर एक आस्पेक्ट पर डिस्कशन रहेगा अराउंड मतलब जितना भी समय लगेगा उसमें आई विल ट्राई कि जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं वो सारी सॉल्व हो जाए तो महीने में एटलीस्ट एक ऐसा सेशन रखेंगे तो आई हैव ट्राइड दिस तो ये आपका ट्वेंटी नाइन्थ को होगा सिक्स पी एम ओके सिक्स पी एम के अराउंड है बट ओनली दोज स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अटेंड इट जो वो फॉर्म फिल करेंगे बिकॉज वैसे तो कैसे ज्वाइन हम कर पाएंगे तो फॉर्म है फिर जैसे आप वो फॉर्म मेल आई डी डाल दो मतलब जो है उसमें एक स्लॉट बुक कर लोगे उसके बाद आपको डायरेक्ट जूम लिंक अपने आप में आ जाएगा तो उस जूम लिंक को क्लिक करके और फिर आपको सेशन ज्वाइन कर लेना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा ये फ्री सेशन है ऑल दीज आर फ्री सेशन ये लिंक मैं आपसे ग्रुप में भी आई विल शेयर विथ यू ठीक है तो इसको आप लोग जरूर से ज्वाइन करना है ना जो भी स्टूडेंट्स जिनकी क्वेरीज हैं इफ़ यू हव एनी काइंड ऑफ क्वेरीज नोट्स कैसे बनाएं ऑप्शनल कैसे सेलेक्ट करें जो भी क्वेरीज हैं हाउ वी शुड प्रोसीड फॉर अदर सब्जेक्ट्स करेंट अफेयर्स कंटेम्प्रेरी इशूज़ हैं उनको कैसे कवर करें हर चीज़ है तो लिंक आपको मिलेगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पर क्लिक करके आप कर सकते हैं ठीक है थीके? तो ये ध्यान से कर लेना है तो क्योंकि फिर आप मुझे पर्सनली बहुत सारे मैसेज करते हैं देखो इसराइल लेबन साइन मैरिटाइम बॉर्डर डे ये टॉपिक है पहले भी डिस्कस किया दिस टॉपिक इज बेसिकली रिलेटेड विध इंटरनेशनल रिलेशन वेन यू आर स्टडिंग इंटरनेशनल रिलेशन यू ऑल्सो नीड टू नो कि जो जोग्रफी है उसके भी मैपिंग के प्रश्न इस एरिया से आ रहे हैं आज के समय में ठीक है अगर आप 2022 यू जस्ट सी 2022 क्वेश्चन uh, पेपर 2021 क्वेश्चन पेपर यू विल फाइंड क्वेश्चंस आस्ट इन मैपिंग सेक्शन डायरेक्टली फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशनशिप कोई एरिया न्यूज में है लेबलन का जो लोकेशन है उसको डिस्कस किया है और इसमें दो ऑयल फील्ड हैं वो हमको पता होना चाहिए बाकी जो एग्रीमेंट है उसको भी पहले डिस्कस किया बट लेट्स डिस्कस इट फर्दर तो पहले मैं आपको मैप दिखा देता हूँ जिससे इट विल भी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड तो जैसे पहले लाइक फॉर एग्जाम्पल एक जो एक माइंड के अंदर आपके होना चाहिए जैसे मान लो ये समुद्र है ये मेडिट्रेनियन सी है इधर ऐसे लेबनन है फिर इधर ऐसे इसराइल है इधर सीरिया है ठीक है ऐसे टर्की फिर ऊपर ऐसा है कंट्रीज के नाम आपको थोड़ा सा ये लोकेशन ऐसा कंटेक्सट में पता होना चाहिए इधर मेडिटेनियन सी रीजन है सो यू जस्ट सी दिस मैप ये मैप आप देखो एक बार तो यू विल अंडरस्टैंड देखो ये लेबनन है ये सीरिया है ठीक ये इसराइल है मैंने आपसे पहले कई सारे एग्रीमेंट्स भी डिस्कस किए अब दोनों के बीच में डिस्प्यूट है जैसे ये इसराइल है अब ये जैसे गैस फील्ड कई सारे लिवियथन करके है तमर है उसके बाद डेलिट है टेल एवीव है ये मतलब ये आपके दीज आर द गैस फील्ड्स टेल टेलेवी तो चलो इसका कैपिटल हो गया ठीक है और ये समुद्र है ये लेबनन का एरिया है दिस इज लेबनन एरिया अब अलग अलग क्लेम ये लोग करते हैं तो ये जो पूरा इलाका होता है ये छोटा सा ऐसा रीजन है ये डिस्प्यूटेड एरिया कहलाता है इट इज़ अ डिस्प्यूटेड एरिया तो अब देखो लेबनन की इकोनॉमी भी काफ़ी डाउन जा रही है लेबनन भी कोशिश कर रहा है कि अभी एक मौका मेरे पास ये है कि इफ़ आई स्टार्ट प्रोड्यूसिंग ऑयल ऑयल या गैस अगर मैं प्रोड्यूस कर लूँ तो मेरी इकोनॉमी जो नीचे जा रही है उसका मुझे बेनिफिट होगा तो ये थिंकिंग बेसिकली यूएस की भी हो सकती है यूएस एस ये सोच रहा है कि यार अगर अभी क्राइसिस की सिचुएशन है ठंड का टाइम है जो डिमांड है द डिमांड ऑफ द गैस द डिमांड ऑफ द ऑयल विल इंक्रीज स्पेसिफिकली द डिमांड ऑफ द गैस विल इंक्रीज वाई द डिमांड ऑफ द गैस विल इंक्रीज बिकॉज जो टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है ठंडी के टाइम पे और वो सारा हीट करने के लिए एनर्जी का जरूरत होता है सो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी जो हीट प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी so, सोर्स की जरूरत पड़ती है इफ़ द अदर अल्टरनेटिव्स आर नॉट प्रोवाइडेड एवरीथिंग विल बी गवर्नड और एवरीथिंग विल बी कंट्रोल्ड बाई रशिया हर चीज़ रशिया का कंट्रोल करेगा सब कुछ रशिया के हाथ पे रहेगा अगर हर चीज़ रशिया के हाथ पे रहेगा हर चीज़ रशिया कंट्रोल करेगा ऐसे सिचुएशन में Uh, उसको काफ़ी एडवांटेज हो जाएगा उस बार्गेनिंग पावर जो है वो भी अचीव कर सकता है तो अलग अलग जहाँ भी पॉसिबिलिटी है लेट्स एक्सप्लोर दैट और अभी एक एग्रीमेंट को लेबनान और इज़राइल के बीच में जो एक डिस्प्यूट था उसको दूर करते हुए एक मेरी बॉर्डर को डिसाइड करने के लिए मेरी बॉर्डर का मतलब समुद्र का जो जहां ये डिस्प्यूट है जहाँ पे दे आर नॉट एग्री कि ये इसमें किसका इसका किसका जियो रोडिक्शन है तो उस पर एग्री करके और यहाँ पे देखो ये एक सिंगल लाइन पर एग्री कर दी है तो पहले जो रीजन ये था ऐसे इसको आप डिस्प्यूट दूर करके ऐसा इन्होंने मान लिया कि ठीक है ये जो लाइन है ये बेसिकली आपका बॉर्डर एरिया है दिस इज अ बॉर्डर एरिया दूसरा आपको ये ध्यान में रखना है कि यहां से लेके इस तक का रीजन जिसे हम 200 नॉटिकल माइल्स का रीजन बोलते हैं वी ऑल्सो टेक्निकली यूज दिस टर्म कॉल्ड एज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एज पर दाइनटीन एटी टू यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी यूनक्लोस के अंदर हम इसको इंक्लूड करते हैं और कोई भी देश है उस देश का जो ज्यूरिडिक्शन है दैट इज अपड्रेड नोटिकल माइल्स ठीक है इसराइल का भी सेम टू हंड्रेड नोटिकल माइल्स बट दे अब दो सौ नोटिकल दो माइल्स के बीच में इन दोनों के बीच का जो डिस्प्यूट है that has been, till now it has been resolved. और एक सिंगल लाइन पर ये लोग एग्री कर गए कि दिस विल बी आर मैरिटाइम बॉर्डर यह हमारा मेरीटाइम बॉर्डर होगा इस पूरे एग्रीमेंट में मीडिएशन का रोल किया मध्यस्थता किसने की है दैट इज यूएस यूएस चाहेगा अब इसमें फिर लेबनन है इफ यूट स्टार्ट जैसे इसने एक ऑयल uh, फील्ड है उसको फ्रेंच कंपनी को दे दिया फ्रेंच कंपनी कम, का मतलब है इट इज़ ऑल्सो अंडर द यू एस मतलब फ्रेंच फ्रांस यू एस इनका अच्छी बनती है तो वो uh, दे दिया गया फ़्रांस की एक कंपनी को तो फ्रांस की कंपनी उसको प्रोड्यूस करेगी और जो भी अर्निंग है दैट अर्निंग विल आल्सो बी देयर फॉर द कंपनी आल्सो एंड फॉर द कंट्री आल्सो क्योंकि कुछ ना कुछ रेवेन्यू जो है वो प्रोवाइड किया गया होगा तो ये आपको ध्यान में रखना है दिस हैव टू डन तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डिमार्केशन जो है मेरी टाइम बॉर्डर का अलॉन्ग द लाइन ट्वेंटी थ्री एज एन अपॉर्चुनिटी टू अनब्लॉक फॉरन इन्वेस्टमेंट तो ये जो डिमार्केशन है उसको डिसाइड किया गया अगर आपसे पूछे कि रिसेंटली लाइन ट्वेंटी थ्री न्यूज में था ये किससे रिलेटेड है तो दिस लाइन ट्वेंटी थ्री इज बिटवीन जो वो लाइन आपका है ना जिस जो अभी हमने मैप में देखा है तो लाइन ट्वेंटी थ्री को डिमार्क कर, डिमार्केट करके जो भी मैरी टाइम मेरी टाइम बॉर्डर डिस्प्यूट है इट हैज बिन रिजोल्व मैरी टाइम बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया गया ये ध्यान में रखना है दूसरी चीज़ ये है कि वाई दे दे वॉन्ट कि ठीक uh, uh, है चलो लेट्स डिमार्केट इट प्रॉपरली इसको डिमार्केट करते हैं अच्छे तरीके से सो इफ दे वॉन्ट टू डिमार्केट इट प्रॉपरली लाइक वाई दे हैव डिमार्केटड इट प्रॉपरली बिकॉज उनको ये लगता है ऐसा है कि अगर चीज़ें प्रॉपरली मार्क्ड नहीं होंगी डिस्प्यूट होगा तो कोई आके इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा अगर दो देशों के बीच में वहाँ पे डिस्प्यूट है दो देशों के बीच में तो वहाँ पे कैसे किसी चीज़ को मतलब कै, कैसे कोई वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर पाएगा तो इससे लेबनान को भी नुकसान हो रहा था तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा एग्री जो है वो कर लिया है तो इस पर दो आपकी पहले भी मैंने आपको बताया इसमें दो आपकी ऑयल फील्ड्स हैं एक का नाम आई थिंक काना करके है और एक खारिश फील्ड करके है तो ये जो डील है इसमें पूरा का पूरा जो राइट है खा, खारिश फील्ड के अंदर दैट इज़ विथ इज़राइल और काना करके एक और है ठीक है तो उसको आ, ये फ्रेंच कंपनी है इसको दे दिया गया है फ्रेंच कंपनी टोटल एनर्जीज इसको आपका दे दिया गया एंड ये कंपनी फिर वहाँ पे ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड ऑल तो ये जो काना फील्ड है काना फील्ड की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे इसके पास फुल राइट किसके पास है लेबननन के पास काना है और इसराइल के पास कारिश है इस पर फिर फर्दर जो फ्रेंच कंपनी से काम करेंगे फ्रेंच कंपनी इन्वेस्ट करेंगी तो जो लेबनन है वो भी पैसा कमाएगा ये सब प्रयास आपका किया गया है तो जैसे अब इसमें जैसे कभी भी मान लो इंडिया और दूसरे इंडिया है और इंडिया का इंडिया के जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ अगर कभी भी हमारे कोई डिस्प्यूट लाइक वी हैव द डिस्प्यूट विद अदर कंट्रीज अदर जैसे पाकिस्तान के साथ डिस्प्यूट है चाइना के साथ डिस्प्यूट है तो कोई भी ऐसा जो डिस्प्यूट है इफ़ यू हैव टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट यू कैन मैंशन देखो ये डिस्प्यूट भी सॉल्व हुआ है तो वी कैन ऑल्सो टेक ए स्टेप हम भी स्टेप ले सकते हैं इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द इन ऑर्डर टू रिजोल्व द डिस्प्यूट और ये जो डिस्प्यूट है उसको अगर आप रिजोल्व करते हो तो इससे फिर यू कैन अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट ऑल्सो मतलब अगर डिस्प्यूट दूर होगा लड़ाई धड़ाई कम होगी तो फिर एक प्रॉपर एन्वायरमेंट होगा इफ़ देर इज़ अ प्रॉपर इन्वायरमेंट तो उस केस में फिर uh, हम ये कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट और सब चीज़ें भी इंक्रीज होंगी नेक्स्ट देखते हैं वट इज़ टर्कीज़ लेटेस्ट डिस इन्फॉर्मेशन लॉ अब देखो दर इज़ अ वेरी लेस्ट चांस की दे विल आस्क अबाउट की एक्सप्लेन द टर्की डिस इन्फॉर्मेशन लॉ बट एट लीस्ट दो चार पॉइंट्स याद होना चाहिए ये टॉपिक आपके लिए फ्रेम हो सकता है जीएस पेपर थ्री के अंदर भी जैसे मीडिया टेक्नोलॉजी रिलेटेड चैलेंजेस क्या है तो यहाँ पे अगर आपको याद हो तो हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था इफ यू रिमेंबर हाँ साइबर सिक्योरिटी के अंदर भी इसको इंक्लूड कर सकते हैं अगर इफ़ यू रिमेंबर वी हैव हाँ डिस्कस्ड अबाउट ग्रे ऑपरेशंस कमेंट सेक्शन में बताओ ग्रे ऑपरेशन क्या होते हैं इस पर डिस्कशन हुआ था कि आज के समय में ग्रे ऑपरेशन बहुत सारे हैं एक एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया था रशिया के कंटेक्सट में रशिया कैसे आई के जो ये आपके एग्जाम्स होते हैं ना आईआईटी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं आ, उसको कैसे है? एक रशियन हैकर ने हैक किया था उसको फिर पकड़ा गया था तो वो ग्रे ऑपरेशन वट डू यू मीन बाई ग्रे ऑपरेशन कमेंट सेक्शन में आप बताओ ठीक है ऑलरेडी इस पर एक अच्छा आर्टिकल आया था उसको डिस्कस किया था इस ग्रे ऑपरेशन में एक चीज़ आती है डिसइॉर्मेशन मतलब इफ़ यू टॉक अबाउट द डिसंफॉर्मेशन तो ग्रे ऑपरेशन एक जो तरीका है उसमें डिसइंफॉर्मेशन भी एक हिस्सा होता है तो डिसइंफॉर्मेशन क्या है डिसइंफॉर्मेशन की अगर आप बात करो तो वी न्यू टॉक अबाउट द डिसन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन जैसे किसी भी चीज़ के प्रति गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहा उसको हम डिसफॉर्मेशन कर रहे हैं कहते हैं वी कॉल इट एज डिस इन्फॉर्मेशन और ये जो डिसइंफॉर्मेशन है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज कंट्रीज़ के लिए भी है और uh, बहुत बड़ा uh, चैलेंज लोगों के लिए भी है ठीक है तो डिसइनफॉर्मेशन हम किसी भी कोई भी चीज़ है उसके प्रति अगर नेगेटिव इन्फॉर्मेशन इफ़ इट इज़ स्प्रेडिंग गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रहा है तो उसको हम डिसफॉर्मेशन कहते हैं आज के समय में परसेप्शन जो बिल्डिंग है वो बहुत मैटर करता है वी थिंक हम ये सोचते हैं कि आ, हम बेसिकली क्या सोचते हैं हम ये सोचते नहीं हम क्या सोचते हैं हमारी थिंकिंग हमारा बिलीफ वो कहाँ से डिराइव होता है वो डिराइव होता है कहीं से एक विचार आ रहा है वो विचार क्या रहा है उसको कंट्रोल किया जा सकता है क्या चीज़ आप पढ़ते हो उस पर आपके थॉट्स जनरेट होंगे क्या चीज़ आप देखते हो उसको से आपके थॉट्स बिलीफ जो भी है वो डेवलप होंगे तो उस चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है पॉपुलेशन के परसेप्शन को शेप किया जा सकता है उन अथॉरिटीज़ के द्वारा या उन कंट्रीज़ के द्वारा जो कि इस सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन को कैरी करती है अब इसलिए कहा जाता है कि जैसे मान लो प्राइवेट सेक्टर है अगर वही सारी इस पूरे इकोसिस्टम जो इंफॉर्मेशन बेस्ड इकोसिस्टम है अगर वो उसको आ, उसको पूरे तरीके से कंट्रोल करेंगे तो फ्यूचर के अंदर देर इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि वो बहुत सारे लेवल पे लोगों का जो परसेप्शन चाहे वो सरकार के प्रति हो किसी के भी प्रति हो किसी प्रोडक्ट के प्रति हो उसको कंट्रोल कर सकता है अब पॉइंट ये है कि वाट वी शुड डू वेदर वी नीड अ लॉ और नॉट टर्की कंटेक्ट में तो चलो अभी डिस्कस कर लेंगे लेकिन वी आर जनरली डिस्कस एड क्या हमें लॉ चाहिए बेसिकली वी नीड अ लॉ वाई वी नीड अ लॉ जैसे मान लो रोड पर जा रहे हो अगर रोड पर जा रहा हो रोड खाली है अगर ये लॉ ही नहीं होगा कि रेड लाइट पर आपको रुकना है है ना ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है तो पूरी की पूरी रोड जो है वो एक क्योंस हो जाएगी है ना कई जगह पे आप देखोगे ना जहाँ भी मान लो दो मिनट के लिए किसी जगह पे ट्रैफिक है ज़्यादा दो मिनट के लिए रेड लाइट खराब हो जाए जो लाइट होती है ना वो खराब हो जाए अब आप देखो फिर इधर उधर जहाँ से मौका मिलेगा कोई छोड़ेगा नहीं और आदमी वहीं खड़ा रहेगा एक कदम आगे नहीं बढ़ेगा ये सब है सो इन ऑर्डर टू गवर्न आवर एक्शन हर इंसान का जो एक्शन है उस सिस्टम के अंदर उसको गवर्न करने के लिए वी नीड अ लॉ गाइडलाइंस प्रोविजन कुछ तो चाहिए तो ये जरूरी है इवन इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो ये इको साइबर स्पेस है इसमें भी चीज़ें सही तरीके से रन हो और उसके लिए भी वी नीड अ लॉ जब चीज़ें सब अच्छी हो रही तब तो ठीक है बट जब चीज़ें मान लो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है या किसी का एक्सप्ल्टेसन हो रहा है ये सब जो देखने को मिलता है तो उसके लिए हमें लॉ की ज़रूरत पड़ती है कि इस सिस्टम के अंदर हमें इसीलिए अपने देश के अंदर भी जैसे सोशल मीडिया है या इनसे रिलेटेड गाइडलाइंस भी आई हैं वी आल्सो नीड टू सर्टेन लॉज आल्सो जिससे कि हम चीज़ें गवर्न कर सकें ये एक ध्यान रखना अब टर्की की बात करें तो टर्की में जो अभी सरकार है और वहाँ जो समाज है इट इज़ वेरी हाईली पोलराइज ठीक है हाईली पोलराइज है तो हम वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री हमारे यहाँ पे अगर कोई लॉ आता है कुछ गाइडलाइंस आती है उसको बहुत हाइएस्ट लेवल ऑफ स्क्रूटनी होती है मीडिया भी करेगी फिर आप ऑनरेबल कोर्ट्स हैं वो भी करेंगे बट दिस इज़ नॉट द केस विद द कंट्रीज जहाँ पे जो बहुत ही ज़्यादा हाईली पॉलराइज है दे रिप्रेजेंट इट दमसेल्व एज अ डेमोक्रेसी बट रियलिटी में जो डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है जहां हम बात करते हैं चाहे इंडिया की बात करें या कुछ जो देश हैं जहाँ पर डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है उनसे हम उनको कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज अब एक ही लीडर है सालों साल वही चलता जा रहा है ठीक है तो वो है फिर वहाँ पर कू कैरी आउट हुआ था मतलब अगर आप उसको हिस्टोरिकल कंटेक्स में देखो वहाँ पर ऑटोमान अंपायर था अब उसको जो वहाँ के प्रजेंट जो प्रेसिडेंट uh, है वो उसको रिवाइव करना चाहते हैं अलग अलग कन्फ्लिक्ट में वो खुद ही इन्वॉल्व जो है अपना नाक जो है डालते हैं उसमें आ, आ, आर्मेनिया अजरबैजान तो उसमें जाएंगे उसमें फिर एंटर करेंगे अजरबैजान का सपोर्ट करेंगे रशिया यूएस का कन्फ्लिक्ट है उसमें वो एंटर करेंगे वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है उनको ऐसा लगता है दे फील कि हो सकता है जैसे मान लो दे मस्ट बी सीन कि अच्छा चलो ईरान में इतना बड़ा सोशल इशू चल रहा है तो वो सोच रहे होंगे कि अरे ऐसा कुछ हो सकता है कि कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐसी स्प्रेड की जा रही जहाँ पर वो सोशल सिस्टम कुछ जो भी एक इशू रेस किया गया और फिर वहाँ पर इतना प्रोटेस्ट हो रहा है एक एक इशू को ले वो हो रहा हो ऐसा उनकी थिंकिंग हो सकती है तो टर्की भी सोच रहा हूँ कि यार ऐसा कोई भी डिस हमारे आ, सरकार के प्रति देश के प्रति नेगेटिव परसेप्शन डेवलप करने के लिए किया जा सकता है ऐसा हो सकता है सो लेट कम लेट्स लाइक लाइक एक uh, जो है uh, डिस, 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 डिस इन्फॉर्मेशन लॉ लेकर आते हैं कि कोई भी डिसइनफॉर्मेशन अगर या मैनिपुलेटेड डेटा स्प्रेड करेगा तो उसको सजा मिलेगी तो ये प्रावधान इनके अंदर ये इन्होंने इंक्लूड किया है तो यहाँ पे देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने कोई भी इन्फॉर्मेशन लाइक डिस लॉ है और कोई भी अगर इसमें जिम्मेदार हो तीन साल की सजा हो सकती है लाइक थ्री इयर्स टू सोशल मीडिया यूजर्स और जर्नलिस्ट को तीन साल की सजा अगर कोई डिस इन्फॉर्मेशन कोई स्प्रेड कर सकता है तो इसमें लगभग चालीस आर्टिकल्स हैं और इसने ट्वेंटी थ्री डिफरेंट लॉज कमेंट किया है आर्टिकल ट्वेंटी नाइन बहुत ही कंटेंशियस है मतलब उसके जो प्रोविजंस uh, है उस पर काफ़ी क्रिटिसिज्म में फेस करना पड़ा है सो so, ये क्या क्या है इन्होंने इट एन ऑफेंस टू पब्लिकली डिसमिनेट मिसलीडिंग किसी भी मिस मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन को देश के जो रिलेटेड है कंट्री का इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी से रिलेटेड पब्लिक ऑर्डर से रिलेटेड है जनरल वेलबिंग well से रिलेटेड अगर किसी भी इन्फॉर्मेशन को ऐसा मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन स्प्रेड किया जा सकता है तो इट विल भी कंसिडर एज अ डिस इन्फॉर्मेशन और फिर एक्शन हो सकता है सो दिस इज बेसिकली अंडर आर्टिकल ट्वेंटी नाइन जो इस है तो ये जो आर्टिकल है इट इंट्रोड्यूस अ जेल टर्म एक से तीन साल की जेल टर्म हो सकती है जो कि बहुत ज्यादा है फिर तो उसके बाद क्या है कि इवन जो वेनिस कमीशन है वी कैन से जो कि एक प्रकार की काउंसिल ऑफ यूरोपियन ऑन यूरोप ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर जो ये वेनिस कमीशन है उसने भी कहा कि आ, ये जो सर्टेन प्रोविजंस हैं इनका अनक्लियर इंटरप्रिटेशन हो सकता है जैसे हमारे देश के अंदर सर्टेन लाइक आई टी एक्ट आई थिंक सेक्शन सिक्सटी सिक्स से था ऐसे जो एक सेक्शन था उसको सिरा सिंगल केस में हटा दिया गया था तो वो क्यों हटाया गया था इट हैज़ बीन रिमोट बिकॉज उसमें जो शब्द लिखा हुआ था अब पुलिस अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट करके किसी को भी जेल में डाल दे देर देर कैन बी पॉसिबिलिटी तो जिस चीज़ का वाइडर इंटरप्रिटेशन हो सकता है क्लैरिटी नहीं है तो अगर अगर उसका वाइडर इंटरप्रिटेशन हो सकता है तो देर इज़ ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि उसको गलत तरीके से इस्तेमाल होगा और गलत तरीके से इस्तेमाल होकर जो हमारे बेसिक राइट्स है दैट कैन ऑल्सो भी डाइल्यूटेड वो हो सकते हैं तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि 100 में से 100 केसेस ऐसे हो सकते हैं बट इवन अगर एक केस भी होता है तो वो भी स्कोप हमें नहीं रखना चाहिए लाइक वी फॉलो दिस थिंग है ना तो यहाँ पे इंटर तो इसलिए हमने क्या किया मतलब ऑनरेबल कोर्ट ने क्या किया श्रेय सिंगल केस में उस सेक्शन को हटा दिया आई एक्ट के लेकिन यहाँ पे क्या है इन्होंने कुछ कह मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन एंड व्हाट इज़ द मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंट्री ये सब कैसे कौन डिसाइड करेगा जब ऐसे प्रोविजंस आ जाते हैं तो कोई भी पर्सन ऑर्गेनाइजेशन uh, कोई भी अगर कोई भी ऐसा इन, इन, चीज़ शेयर करेगा जो कि थोड़ा सा अपोजिट हो जो गवर्नमेंट सेंग से है तो उसके खिलाफ एक्शन हो जाएगा ये प्रोविजन जो है ये सब चीज़ों के लिए ये स्ट्रेंथन हो जाता है लाइक वेन यू टॉक अबाउट द टर्की सेल्फ तो ये एक देखने को मिल सकता है इवन जो रैंकिंग है फ्रीडम है प्रेस फ्रीडम में वो भी पुअर है 149 फोर्टी नाइन आउट ऑफ वन आपकी रैंकिंग है नेक्स्ट देखते हैं टू कुडी फायरिंग इंक्वायरी रिपोर्ट ये आपकी आई है तो ये टॉपिक है जैसे डेवलपमेंट क्या क्या चैलेंजेस आते हैं इंडस्ट्री सेट होती है तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये सब चीज़ें आपके ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर हम इस टॉपिक को इंक्लूड कर सकते हैं तो यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था स्टरलाइट uh, करके एक जो कम कॉपर प्लांट है उसके अराउंड प्रोटेस्ट हुआ था मेन ये था कि uh, जो प्रोटेस्टर्स uh, थे वो ये लगातार कह रहे थे कि देखो इस प्लांट की वजह से बहुत अधिक एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन uh, हो रहा है आसपास का पानी खराब हो रहा है मतलब इस तरीके का बहुत ज़्यादा मिस्ट्रस्ट डेवलप हुआ था और फिर प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट हुआ था फिर उस प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए फायरिंग हुई थी तेरह लोग मर गए थे देखो तो ये बहुत ज़्यादा वी कैन से अगेंस्ट जब हम डेमो मतलब हम जब डेमोक्रेसी की बात करते हैं ना तो जैसे आप भी ऑफिसर बनोगे आई ऑफिसर बनोगे बड़े ऑफिसर बनोगे तो आप भले आपको इंजरी हो जाए है ना लेकिन आप ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाओगे कि वो जो चाहे वो गरीब कोई पर्सन है और वो अगर अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर रहा है वो बैठ के प्रोटेस्ट कर रहा है एंड यू डोंट लाइक तो उससे जो है आप ये कह सकते हो कि मतलब ये आपकी जिम्मेदारी है कि वो बेसिक लेवल पे भले किसी भी पर्पस के लिए वो प्रोटेस्ट कर रहा है बट यू हैव टू प्रोटेक्ट दैट राइट वो जो उसको राइट संविधान ने दिया है आर्टिकल 19 के अंदर ये किसी भी संवैधानिक आर्टिकल के तहत उसको जो जो राइट दिया है जिसके तहत वो प्रोटेस्ट कर सकता है ऑल दो प्रोटेस्ट नॉट टू बी वायलेंट बट अगर वो प्रोटेस्ट कर रहा है तो दैट राइट हैज़ टू बी प्रोटेक्टेड इसके लिए जो है हमारी जिम्मेदारी बनती है बहुत बड़ी अब यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ कोई भी हुआ तो अब यहाँ पे फायरिंग होगी उसके बाद तेरह लोग लो मर गए ये एक तरीके से कभी भी हम अगर बात करें तो वी कैन नेवर जस्टिफाई दिस है ना और इसकी वजह से फिर इस कंपनी ये जो कंपनी है ये जो प्लांट है इसको क्लोज भी किया गया तो अब इसके लिए देखो ये कमिटी जग जगदीशन कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो रिपोर्ट है इसने सबमिट किया है और फिर यहाँ उस समय के इस समय के जो वहाँ के तमिलनाडु के आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इस चीज़ पर थोड़ा सा इशू रेस किया है कि ये है और उन्होंने पाँच लाख रुपये और कंपनसेशन जो जिनकी डेथ हुई है उनको देने की बात आपकी आ, की गई है तो आ, ये जो फायरिंग है इसको भी इस रिपोर्ट ने क्रिटिसाइज भी किया था फायरिंग वॉज डन इन टू तो कंट्रोल द वायलेंस स्टार्टेड बाय द प्रोटेस्टर्स जो वायलेंस है उसको स्टार्ट करने के लिए मतलब वायलेंस स्टार्ट करने के लिए फायरिंग की गई थी अब देखो ये भी एक चीज़ होती है कई बार क्या होता है कि जैसे प्रोटेस्टर्स हम भी कंसिडर किया अच्छा प्रोटेस्टर्स हैं अब उसमें कोई ऐसे पर्सनस भी आ जाएं जो कि उनका एम ये है कि किसी तरीके से वायलेंस क्रिएट हो लॉस ऑफ प्रॉपर्टी और कोई भी हो तो वो फिर आपके लिए चैलेंज होगा बट आप ऐसा नहीं कर पाओगे मतलब बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन है दैट इज अ डिफरेंट थिंग कि कोई आम सेमिनेशन और उससे फिर हमला करे वो अलग चीज़ हो जाती है बट जनरली कोई भी है तो देर आर सर्टेन वेज कि कैसे हम क्राउड मैनेजमेंट करते हैं जैसे आप भी हाइएस्ट उसमें जैसे रैबिट एक्शन फोर्स है मतलब बहुत सारे ऐसे आपके पास इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है क्राउड मैनेजमेंट से रिलेटेड उसको हमको यूज़ करना है। फायरिंग और ये सब तो मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर किसी ने इस्तेमाल किया तो बहुत ज़्यादा जो स्क्रूटनी है वो फेस करना पड़ेगा इवन सर्विस से भी जाना जो भी जिसने ऑर्डर दिया तो उसको सर्विस से भी निकाला जा सकता है देयर कैन बी पॉसिबिलिटी सस्पेंशन है वो भी हो सकता है सो so, ये चीज़ भी है तो यहाँ पे वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो भी पर्सन प्रोटेस्ट करने आता है चाहे वो किसी भी इशू पर प्रोटेस्ट करे दस लोग पचास लोग सौ लोग हज़ार लोग जितने लोग भी हों वो तो जो राइट है ना उनका प्रोटेस्ट करने का उसको हमें प्रोटेक्ट करने का लाइक इट इज आर रेस्पॉन्सिबिलिटी जब भी आप सर्विस में रहो वो रेस्पॉन्स हाँ वो जो राइट है उसको प्रोटेक्ट कर प्रोटेस्ट करना ये चीज भी है तो ऑल कुछ लीगल आस्पेक्ट है उस पर हम अलग से चर्चा कर सकते हैं अब देखो यहाँ पे क्या है जो स्टेलाइट ऑपरेशन चल रहा था लार्जेस्ट कॉपर स्मेलिटल प्लांट है वो नाइनटीन से टू के बीच में हुआ फिर इसको शटडाउन किया गया 2018 के अंदर स्टेरलाइट कॉपर जो तो टोटूकुडी जो तमिलनाडु में है ये एक मॉरल इशू भी है आफ्टर द पुलिस फायरिंग ऑन द प्रोटेस्टर्स जैसे लगभग तेरह लोगों की डेथ थे मोरल इशू अपने आप बन जाता है कि पुलिस इज फायरिंग ऑन द प्रोटेस्टर फिर स्टेरलाइट प्रोडक्ट कॉपर एक स्ट्रेटेजिक मेटल अब देखो यहां से इशू आ जाता है अब फायरिंग पुलिस ने की प्रोटेस्ट लोगों ने किया कंपनी का क्या था कंपनी के द्वारा जो भी मतलब जो इसकी स्मेल्टिंग प्रोसेस थी कॉपर अगर आप देखो ना प्रिलिम्स में दो हजार उन्नीस बीस में कॉपर स्मेल्टिंग पे प्रश्न पूछा हुआ था तो उसके पीछे जो सोर्स था ये था बट इन्होंने प्रश्न बनाया एक डेढ़ साल बाद तो यहाँ पे आप बना ban, लेते हैं बट पूछते बाद में तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि देखो ये जो है ये कॉपर का प्रोडक्शन कर रहा है कॉपर बहुत जरूरी है हर लेवल पे कॉपर का जरूरी है कॉपर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विप इलेक्ट्रॉनिक या एक्यू, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इसमें कॉपर की जरूरत होती है तो कॉपर प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इट प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक बैलेंस एंड प्राइस स्टेबिलिटी जो स्टेरलाइट प्लांट एक की बात करें तो यहाँ पे क्योंकि ये ह्यूज बहुत ज़्यादा कॉपर हमारे लिए बना रहा था और हम हमारी जो नीड है कॉपर की वो इस प्लांट पर काफ़ी अधिक निर्भर करती थी तो आप इमेजिन करो इसके बंद होने से हम कॉपर के इम्पोर्टर बन गए एक तरीके से पहले हम कुछ एक्सपोर्ट करते थे उससे हम इम्पोर्ट कर रहे तो अब अगर वो एक्शन नहीं होता और जो एनवायरमेंटल कंसर्न उसके लिए हम कदम उठा लेते या जो कंपनी है वो कदम उठा लेती कि ठीक है लोगों का ये कंसर्न है जो मिसट्रस्ट है इसको दूर करते हैं चलो क्योंकि लोगों ने क्या क्या कहा कि वहाँ के जो लोकल्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया बाहर के लोग हैं वो उनको एम्प्लॉयमेंट दे रहे थे अब मान लो वहाँ पे आपने लोकल्स को इन्वॉल्व कर लिया तो लोकल का इंटरेस्ट है उनको पता है मेरी नौकरी इसी प्लांट पे है मेरी नौकरी यहीं पे है मुझे जो भी मेरी लाइवलीवुड इस पर निर्भर करती है तो वो हर कदम उठाएंगे कि जो भी प्लांट या कंपनी है उसका नुकसान नहीं हो तो लोगों को इन्वॉल्व करना जरूरी है अगर लोगों का कंसर्न नहीं कि अच्छा इन्वायरमेंट में ये इशू आ रहा है तो ठीक है उसको रिजॉल्व कैसे करें इस पर सोचना ज़रूरी है कई बार क्या होता है कि हम बहुत हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंच जाते हैं ना तो एकदम माइंड जो है वो एक माइंड के अंदर एक पावर का एक आप कह सकते हो कि नशा सा हो जाता है कुछ दिखता ही नहीं आ रहा ये तो छोटे लोग हैं ऐसा कुछ भी मन में आ जाएगा ऐसा नहीं है ऐसा नहीं, है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए ये हमेशा समझना है कि आप एक इंडिविजुअल हो आप वेन यू आर एन इंडिविजुअल तो आप आपकी खुद की पावर भी सीमित है और आपकी पावर भी किसी चीज़ से डिराइव हो रही है तो अगर आपकी पावर भी किसी चीज़ से डिराइव हो रही है और आप वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन रन आप ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रन कर रहे हो और आप पावरफुल किसी कुछ लोगों के बीच में हो और जो ऑर्गेनाइजेशन आप रन कर रहे हो वो लोगों पर भी निर्भर करती है अब फाइनली अगर देखा जाए तो अगर आप उनके कंसर्न को नहीं सुनोगे सो बहुत पॉसिबिलटी कि फिर बहुत सारे चैलेंजेस आपके ऑर्गेनाइजेशन को फेस करना पड़ेगा ठीक है ये बहुत ज़रूरी हो जाता है जो ये एक इंपॉर्टेंट अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो लोगों का डिस्ट्रस्ट है उसको दूर करना जरूरी है एनवायरमेंट कंसर्न दूर करना जरूरी है जरूरी है जो कॉर्पोरेट ग्रुप्स होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों के कंसर्न को दूर करें जब अपने बिजनेस को कंडक्ट करना चाहते हैं अगर इसका इम्पैक्ट क्या होगा अब इंडिया बेसिकली एक्सपोर्टर से इम्पोर्टर बन गया ये है तो यहाँ पे लगभग अगर देखो इंडिया लगभग कॉपर की अगर इम्पोर्ट है वो लगभग आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा मतलब हिस्टोरिकली हायर प्राइस कॉपर बाहर महंगे हैं तो उसको हायर प्राइस में इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ रहा है लाइक डॉलर नाइन थाउ नाइन थाउजेंड सिक्स था। हंड्रेड पर टन इतना पे करना पड़ता है देखो कई बार क्या होता है कि दूसरे देश भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं उनको लगता है कि यार ये प्लांट है अगर इस ये प्लांट बंद हो गया तो क्या होगा किसी एन किसी उसको थोड़ा सा फाइनेंस कर देंगे और फिर यहाँ पे कुछ चीज़ ऑर्गेनाइज कर देंगे तो जो टेंशन है वो चलता रहेगा तो कभी माइनिंग माइनिंग अगर हो रही है वो रुक जाएगा या कुछ और प्लांट है कोई डेवलपमेंट वर्क है वो रुक जाएगा ये भी एक स्ट्रेटजी है हमेशा तो नहीं बट ये ऐसा तरीका भी अपनाया जाता है नॉट इन दिस कंटेस्ट वो तो रिपोर्ट बताएगी बट ऐसा भी कई बार होता है कि आपने किसी मतलब बाहर देशों ने आ, जो किसी एन और इन सबको फंड कर दिया बाहर से पैसा लेकर आए और वो फिर पूरा जो डेवलपमेंट वर्क है उसको इंस्टॉल कर देंगे ड्यू टू सर्टन रीजन ये भी एक पॉसिबिलिटी आपकी बनती हमेशा से कई बार रहती है इसको भी सरकारों को टैकल करना उनके लिए भी एक चैलेंज बनता है तो अगर एक बार पता है कि अगर ये प्लांट बंद होगा तो इंडिया एक्सपोर्टर की जगह इंपोर्टर हो जाएगा और इकोनॉमी को कितना लॉस होगा वो अलग चीज है क्योंकि फ्यूचर के अंदर आप जो भी एक्टिविटी uh, करते हो फ्यूचर के अंदर बहुत सारी जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं अगर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट डेवलप कर रहे हो तो कॉपर तो चाहिए बिना कॉपर के आप कैसे बनाओगे इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन अब आपको महंगा इतना इम्पोर्ट करना पड़ेगा अब इतना महंगा इम्पोर्ट करोगे तो फिर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है किसी भी चीज का वो भी आपका काफी हद तक आ, आ, बढ़ेगा फिर देखो और भी चीज है ये इसमें ये फॉस्फेटिक एसिड भी हम फॉस्फोरिक एसिड जो है उसको भी हमें सप्लाई कर रहा था ये प्लांट तो ये फॉस्फोरिक एसिड जिसकी कैपेसिटी लगभग इतना टन था तो आप इमेजिन करो अब ये फर्टिलाइजर बनाने के लिए चाहिए अब हमारा ये सप्लाई भी रुक गया क्योंकि ये प्लांट मतलब बिकॉज ऑफ दिस प्लांट प्लांट बंद हो गया तो फॉस्फोरिक एसिड नहीं मिलेगा तो ये हमारा फर्टिलाइजर का मैन्युफेक्चरिंग जो है वो अफेक्ट होगी अब इसको भी फिर हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा तो ये भी एक चैलेंज बन जाएगा फिर उसके बाद है सब सल्फ्योरिक एसिड है जो डिटर्जेंट और केमिकल इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है वो भी फिर उसकी सप्लाई भी कम हो गई तो आप इमेजिन करो कि देखो वो एक प्लांट है जिसमें जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन में उस समय रहा हो अगर उसने लोगों के कंसर्न को देखा हो और चीज़ें थोड़ा सही से मैनेज कर ली होती इस टाइप का इंसिडेंट नहीं होता तो आप ये सोचो कि एक तो ऑर्गेनाइजेशन तो चलो रन ही होती लेकिन इससे ओवरऑल कंट्री को कितना नुकसान है अब इमेजिन करो कंट्री को कितना नुकसान है फल फॉस्फोरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो नहीं मिल पा रहा आपको कॉपर आप एक्सपोर्टर से इम्पोर्टर बन गए मतलब जो चीज़ आप देते थे अब आपको लेना पड़ रहा है कि चलो भाई कॉपर दे दो और इतना महंगा कॉपर आपको लेना पड़ता है तो ये चीजें नेक्स्ट है। देखते हैं गोइंग ग्रीन तमिलनाडु कंजर्वेशन क्लाइमेट चेंज अनाउंसमेंट देखो तमिलनाडु बहुत गजब का काम कर रहा है मतलब एनवायरमेंट कंटेक्सट में आप ये समझो है ना आ, तो ये एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हो तो ये टॉपिक आपका एनवायरमेंट से रिलेटेड दिस इज रिलेटेड विद एनवायरमेंट देखो इन्होंने बहुत सारे कदम आपको उठाए जैसे तमिलनाडु में कोट कर सकते हो कि देखो स्टेट क्या रोल प्ले कर सकता है एनवायरमेंट कंजर्वेशन और तो रामसर साइड डिक्लेरेशन कई uh, सारी जो रामसर साइट हैं उनको डिक्लेयर किया गया कमेंट सेक्शन बताओ कि जो रामसर कन्वेंशन है जो रामसर कन्वेंशन है उसमें जो रामसर है वो किस देश में लोकेटेड है और ये कन्वेंशन किस किस आ, आ, साल आया था ये बताओ कमेंट सेक्शन में जस्ट लेटेस्ट नो तो यहाँ पे देखो इन्होंने रामसर साइट्स डिक्लेयर की डिक्लेयर आपकी की गई आ, ग्रीन पार्क्स आ, ग्रीन पार्क्स इन हंड्रेड विलेजेस ये क्रिएट किए गए अब देखो ये बहुत अच्छा बात है अब बता सकते हो कि देखो कई स्टेट्स में जैसे मान लो एनवायरमेंट कंजर्वेशन बायोडावर्सिटी कंजर्वेशन ऐसा कोई क्वेश्चन तो, आता है मेन के अंदर तो आप बता दो देखो तमिलनाडु ने एक कदम उठाया सिलेंडर लॉरीज के लिए इन्होंने सेंचुरी बनाई एक यू आई चैनल के अंदर आई हैव क्रिएटेड वन वीडियो जिसमें Uh, मैंने आपको बताया कि सिलेंडर लॉरिस क्यों इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चर के लिए वो कैसे इंपॉर्टेंट है वो मैंने एक्सप्लेन किया आप जाके देख लेना उसको अगर नहीं देखा हो तो यहाँ पे आपको देखना है कि इन्होंने एक तो ग्रीन पार्क हंड्रेड विलेजेस में डेवलप करने की जो है वो डेवलप किया है तो ये सब जो भी कदम उठाए क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है एलिफेंट रिजर्व बनाया अगस्त अगस्तियर मलाई के अंदर फिर दुगोंग कंजर्वेशन पार्क बनाया डुगांग के बारे में पढ़ लेना ठीक है पालगबे में इन्होंने डुगोंग कंजर्वेशन पार्क बनाया नई बर्ड सेंचुरी बनाई है तिरुपुर के अंदर ये सब चीज़ें इन्होंने किया है और फिर इन्होंने सिलेंडर लॉरिस के लिए भी इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनाया तमिलनाडु के अंदर सिलेंडर लॉरिस की सेंचुरी बनाई अब ये सब कदम इन्होंने उठाए हैं ये सब चीज़ें क्या हाईलाइट कर रहे हैं अब ये तब होता है जब जो लीडरशिप है दैट लीडरशिप इज सेंसिटिव टूवर्ड्स एनवायरमेंट और तमिलनाडु भी कोस्टल स्टेट है ठीक है तो अगर बहुत ज़्यादा कुछ चेंज होगा तो वो अफेक्ट होना ही है तो एनवायरमेंट को कैसे आप प्रोटेक्ट करते हो है ना हमें समझना है कि पूरा जो सा, हमारा सारा इंस्टीट्यूशन है वो सारा इंस्टीट्यूशन सिर्फ ह्यूमन सेंट्रिक नहीं होना चाहिए तो हर चीज़ सिर्फ ह्यूमन कंसर्न के लिए ही हो ठीक है जैसे लाखों स्पीसीज है वैसे ही ह्यूमन है बट हम चलो थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल हो गए क्योंकि हम चीज़ों को अपने नीड के अकॉर्डिंग मैनुपुलेट कर सकते हैं द बट बट द पॉइंट इज वी हैव टू मेक द सिस्टम नॉट ओनली ह्यूमन सेंट्रिक बट ऑल्सो नॉन ह्यूमन सेंट्रिक नॉन ह्यूमन सेंट्रिक का मतलब हो गया जो ह्यूमन नहीं है वो, वो ऐसे लिविंग सिस्टम और वो जो लैंडस्केप है जिसमें नॉन जो ह्यूमन लिविंग सिस्टम आपके एग्जिस्ट करते हैं उसको भी प्रोटेक्ट करना हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना ये भी करना पड़ेगा दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ठीक है तो यहां पे क्या है कि जितने भी मॉडर्न स्टेट्स की हम बात करें तो उनको कई प्रकार के चैलेंजेस फेस करना है एनर्जी ट्रांजिशन देखो बहुत अच्छी लाइन लिखी है मोबिलिटी ट्रांजिशन एग्रीकल्चर ट्रांजिशन ये लाइन आप अपने कोट कर लो मतलब जो भी कहीं पे आप वकैब और अच्छी अच्छी लाइन कहीं लिखते हो ना तो वहां ये लाइन लिख लो कि फ्यूचर के अंदर जो मॉडर्न स्टेट्स मतलब हम हाँ, जो राज्य है या जो कंट्री हैं उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे उन्हें देखो एनर्जी ट्रांजिशन फेस करना पड़ेगा एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब आपको नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से रिन्यूएबल की तरफ जाना है जो कोल और ये सब आपका डीजल पेट्रोल है उसकी जगह आपको इलेक्ट्रिक और दूसरी जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसकी तरफ जाना पड़ेगा आपको जो है मोबिलिटी ट्रांजिशन भी करना पड़ेगा जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उसको बदलना उसपे चेंजेस लेकर आना एग्रीकल्चर को बदलाव लेकर आना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज एंड ऑल तो आपकी जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है उसको बदलना पड़ेगा उस पर डायवर्सिफिकेशन है उसमें भी चेंजेस करना पड़ेगा ये चेंजेस करना पड़ेगा तो ये सब एनर्जी ट्रांजिशन मोबिलिटी ट्रांजिशन एग्रीकल्चर ट्रांजिशन ये फ्यूचर के अंदर चैलेंजेस हैं जो राज्यों को और इस कर, मतलब देशों को फेस करना पड़ेगा और इस अगर राज्यों की बात करोगे तो आप बोलोगे केंद्र के साथ मिलके या जो आपके राज्य और केंद्र साथ में मिलके इस ट्रांजिशन को साथ में कर सकते हैं और यह भी कहोगे कि देखो ये सब चीजें जब अगर हम इन चैलेंजेस को फ्यूचर में मीट करेंगे या इन चैलेंजेस को हमें मीट करना है तो जो लोकल सोल्यूशन है हमें उसकी तरफ जाना है अलग अलग जो चैलेंजेस है उसके लिए हमें लोकल सोल्यूशन देना है ठीक है तो एक टर्म होता है कि जैसे मान लो ग्लोबलाइजेशन कोई चीज होती है ग्लोबलाइजेशन ठीक है ग्लोबलाइजेशन मतलब हम अपनी इकोनॉमी को अलग अलग देशों के साथ लिंक कर रहे हैं या दूसरे इकोनॉमी हमसे हम लिंक हो रही है ग्लोबलाइजेशन एक होता है लोकलाइजेशन ठीक है दो चीजें होती है एक होता है ग्लोबलाइजेशन और लोकलाइजेशन लो, तो आज जो जो है हम ये ना करेंगे कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से लोकलाइजेशन भूल जाए लोकलाइजेशन का मतलब ये हो गया कि लोकल रिसोर्सेस का इस्तेमाल तो लोकल डेवलपमेंट के लिए हो ऐसा नहीं है कि हर चीज ग्लोबलाइज हो रहा है कि ऊपर से आ रहा है फिर हम सारे जितने भी स्टेट्स हैं लोकल लेवल पे चीजें डिस्ट्रिक्ट तहसील जो भी उस लेवल पे ग्लोबल लेवल से चीजें आ रही हैं या ऊपर से चीजें आ रही हैं टॉप डाउन तरीके से आ रही हैं और वो चीज़ों को रिजोल्व करें दैट शुड नॉट बी देयर तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या दिया गया है दैट इज ग्लोकलाइजेशन एक टर्म यूज होता है जिसे हम कहते हैं ग्लोकलाइजेशन जहां पे जहां पे वी आर ट्राइंग टू शेयर द बेनिफिट्स है ना शेयर द बेनिफिट्स जो बेनिफिट्स हैं उसको लोकल लेवल पे वी आर शेयरिंग वी आर आल्सो मूविंग टुवर्ड्स अ लोकल सॉल्यूशन प्रॉब्लम लोकल है तो सॉल्यूशन हैज टू बी लोकल ठीक है तो लोकल सोल्यूशन की तरफ हम लोग प्रोसीड जो है वो कर रहे हैं फिर हाउ वी कैन यू नो प्रॉपर जो भी सोल्यूशन आ रहे हैं उनको टाइम बाउंड मैनर में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं तो अब ये जो तमिलनाडु के द्वारा कदम उठाया गया इट्स लाइक इट्स अ काइंड ऑफ ए लोकल सोल्यूशन बायोडावर्सिटी कंजर्वेशन पे बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस और ये सब हो गए वहाँ पे चाहे बिस्किट खा लिए सब है ना वहाँ बैठे ए सी में बैठे आ, सब कुछ है डिस्कस किया फिर है ना फिर हमारे लिए कंटेंट बन जाता है उसको फिर रटो क्या 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 प्रोविजन है लेकिन अगर आप चलो वो भी एक लेवल पे जरूरत है बट आप ये समझो कि असल में क्या है कि जैसे अगर कदम उठाना है अब स्टेट तमिलनाडु ने कर लिया अब उन्होंने इतने सारे कदम उठा लिए इट्स अ लोकल सॉल्यूशन ठीक है तो ऐसे कदम उठाना पड़ेगा जिसे हम एक ग्लोबल प्रॉब्लम मानते हैं तो उसके लिए भी इन ग्लोबल प्रॉब्लम्स को हमें छोट छोटे छोटे इशूज में डील दे, करना पड़ेगा और फिर उनके लिए एक लोकल सोल्यूशंस जो है उसको डेवलप करना पड़ेगा जैसे तमिलनाडु ने किया है ये ध्यान में रखना एक टर्म यूज है इसमें इवेंजायलिकल एनवायरमेंटलिज्म ठीक है तो ये एक एनवायरमेंटल मूवमेंट यूनाइटेड स्टेट्स में आ, जो है शुरू किया गया था ये क्रिश्चियंस होते हैं उनके द्वारा किया गया था और इन्होंने बिब्लिकल मैंडेट्स मतलब जैसे एनवायरमेंट कंजर्वेशन से रिलेटेड इन्होंने जो आप जैसे जब आप यू आर यूजिंग दिस टर्म बिब्लिकल इट मीन्स की समथिंग रिलेटेड विथ बाइबल ठीक है जो होली बुक है क्रिश्चियंस के लिए समथिंग रिलेटेड विथ बाइबल तो यहाँ पे इस प्रोस्पेक्टिव को लेते हुए अलग अलग जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं उनको डील करना सो so, जो थिंकिंग थी दैट इज बिब्लिकल इट मीन्स इन रिलेटेड विद द दिस होली बुक बाइबल तो यहां पर फोकस था आपका एनवायरमेंट कंजर्वेशन तो इस एस्पेक्ट को ध्यान रखें इवेंजेलिकल एनवायरमेंटलिज्मे ये ये एक आप कह सकते हो कि एक सोच है सोच है एक प्रकार का तो यहाँ पे बहुत सारे जैसे जो इवेंजेलिकल ग्रुप्स हैं दे हैव लाइक टेकन स्टेप की कैसे ग्लोबल वार्मिंग को दूर करें एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए क्या कदम उठाएँ बायोडावर्सिटी कंजर्वेशन के लिए क्या कदम उठाए ये सब चीज़ों पे वो लोग काम करते हैं नेशनल एसोसिएशन फॉर इवन जेलिकल्स जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इनक्रेज uh, कर रही है लॉ मेकर को कि वो लॉ बनाएं और uh, जो कार्बन एमिशन हैं यूनाइटेड स्टेट्स में uh, उसको कम किया जाए कार्बन न्यूट्रैलिटी की तरफ प्रोसीड किया जाए इस तरीके से ठीक है ये ध्यान में रखना है प्रिलिम्स का क्वेश्चन देखते हैं Uh, उससे पहले लेट बी इन्फॉर्म यू कि ट्वेंटी uh, नाइन्थ को सिक्स पी को वी वी विल अ इंट्रेक्शन सेशन इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा उसमें आपको uh, जो डिटेल्स हो फिल कर देनी है जो भी आप देख लेना उस फॉर्म में क्या क्या है उसके बाद आपको एक मेल आ जाएगा मेल में जूम लिंक होगी वहाँ पर हम लोग जुड़ेंगे आपका कोई भी क्वेरी हो कुछ भी आपको पूछना हो कोई भी किसी भी तरीके से मतलब पढ़ाई से ही रिलेटेड तो वी कैन डिस्कस ऑन इट तो उसको जरूर से आपको जो है लिंक है उसको लिंक को क्लिक करके ज्वाइन करना है ठीक है तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है इसको लिंक को आई विल शेयर इन द ग्रुप आल्सो ग्रुप में भी आई विल शेयर कोई भी अगर टेक्निकल इशू आता है जैसे पिछली बार थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था कोई तो लिंक ओपन नहीं हो रहा था तो वट यू हैव टू डू इज़ आप उस आप जस्ट जस्ट मैसेज में ठीक है आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो कि अगर कोई भी आगे आप, आपको कुछ टेक्निकल इशू आता है तो ये ध्यान में रखना है लिंक आपको नीचे मिल जाएगा सो so, नेक्स्ट है कंप्लीट कोर्स नवंबर का जो करंट अफेयर्स का है वो सेकेंड नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर खत्म होने वाला कोर्स खत्म है आपका यहाँ तक का कवर है तेईस चौबीस की तैयारी कर रहे हैं तो इसको जरूर से ज्वाइन करें कोड यूज करना है दैट इज एस पी एल आई वी इस कोड का इस्तेमाल करना है एस पी एल आई वी कोड का इस्तेमाल करके आप ज्वाइन कर सकते हैं अभी नवंबर है फिर दिसंबर है फिर जनवरी है ऐसे करके ठीक है तो अभी आप ज्वाइन करेंगे तो टॉप एजुकेटर्स के जितने भी ये बैच कोर्सेस हैं इनको आप एक्सेस कर पाएंगे यू आई एस चैनल के अंदर कल मैंने आपके लिए एक लेक्चर क्रिएट किया है आंसर राइटिंग का लाइव सेशन जो है एक लेक्चर मैंने लेक्चर सेवन अपलोड कर दिया देख लेना कुछ और भी वीडियोस शॉर्ट में आई क्रिएट देयर की जैसे आपको सिलेबस का कौन सा हिस्सा है आप मिस कर देते हो जनरली ध्यान नहीं रहता है तो अभी एक लाइव हो जाएगा वो भी थोड़ी देर में शेड्यूल्ड है तो ये जब भी समय मिलेगा वो थ्रू है आंसर राइटिंग नहीं छोड़नी है एटलीस्ट थर्टी सेशन आई एम टारगेटिंग दिसंबर तक आपके हो जाए और ये इतने सेशन अगर आपके हो जाएंगे थर्टी थर्टी प्लस तो आपको आइडिया लगेगा अच्छा आंसर लिखते कैसे आई ऑल्सो राइट इट लाइव होता है सेशन तो आ, मतलब लिखने का पूरा लाइव होता है तो आपको भी आइडिया लगेगा अच्छा ऐसे ऐसे लिखते हैं टाइम बाउंड मैनर में ठीक है तो ये दस मिनट का सेशन ऑलरेडी अपलोडेड जाकर देख लेना यू है यू आई इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था अब इसका आंसर देख लो तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर हाई अब देखो ये बहुत आसान है इट्स नॉट हाई प्रेशर इट्स अ लो प्रेशर ठीक है जो लो प्रेशर सिस्टम होता है और कमेंट सेक्शन में एक बार बता दो क्योंकि मैंने मैकेनिज्म आपसे ऑलरेडी डिस्कस किया है ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द मैकेनिज्म कि कि जो कौन सा एक तो बताओ कि जो फोर्स कौन सा है दैट फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द वर्लिंग ऑफ द साइक्लोन दूसरा बताओ कि बेसिक डिफरेंस क्या है टेम्परेट साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन में ये एक बताओ और हाँ बस ये दो का आंसर आप कर दो तो ट्रॉपिकल साइक्लोन लो प्रेशर सिस्टम है तो गलत हो गया बाकी दोनों स्टेटमेंट्स आपके सही हैं ठीक है तो ये एक्सप्लेनेशन आपका दिया हुआ है इसका पीडीएफ आई विल शेयर भी यू एसपी लाइव करेंट अफेयर टेलीग्राम चैनल पर इसका माइंड मैप आई विल शेयर सौरभ पांडे अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे सो आज के लिए इतना ही आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर सेशन को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें ठीक है थैंक यू एवरीवन थैंक यू